नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्वागत है आप सभी का हमारी वेबसाइट ट्रेडिंग चाणक्य डॉट कॉम पर। तो लास्ट टाइम दोस्तों हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट था स्टोरी बेस, और हेडलाइन थी हमारी जो टाइटल था कि भाई एक ऐसा बच्चा निवेश जो पाल सकता है आपकी सभी पीढ़ियों को, राइट। तो एक ऐसा टॉपिक हम लेकर के आए थे। स्टोरी बेस मैंने आपको पूरा निवेश की पावर, निवेश क्या क्या कर सकता है, निवेश कितना बड़ा हो सकता है छोटी छोटी रकम से, तो उसके बारे में हमने पढ़ा था। जो लोग नहीं जानते डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, ज़रूर उस वीडियो को देखें तो ज़िंदगी के अंदर कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। दूसरा, वहाँ पर आपके एक प्रॉब्लम रह गई थी कि भैया सारी चीज़ तो समझ में आ गई लेकिन ये भैया निफ्टी ETF, बैंक ETF, जूनियर ETF क्या होता है, पहले तो ETF समझा दो। ETF समझने के बाद ETF को ख़रीदना कैसे है ये आप बता दो, ठीक है। ये आपका दोस्तों इशू रह गया था। तो ETF के बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं लेकिन फिर भी मैं रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और अच्छे से बता सकूँ, और ETF ही क्यों ख़रीदना है, हम नॉर्मली शेयर क्यों नहीं खरीद सकते, तो वो भी मैं आपको बता दूँ। तो ये तीन चार चीज़ें हम देखने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली दोस्तों NSE की साइड पर चलते हैं, प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। भाई मैं आपको कहता हूँ कि आपको Nifty 50 खरीदना है तो आप किस तरीके से खरीदेंगे, तो एक बार 2 सेकंड सोचिए दिमाग में जब तक ये साइट खुलेगी। तो 2 सेकंड सोचिए कैसे खरीदेंगे भाई Nifty 50 अगर आपको ख़रीदना हो। तो ज़रा Nifty 50 का अगर हम स्टॉक्स देखें तो ये हमारे Nifty 50 के स्टॉक्स हैं, ठीक है, जैसे कि IOC, आईबुल हाउसिंग, हिंडालको, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये जो जितनी भी लिस्ट आ रही है, ये 50 स्टॉक्स की जो लिस्ट आ रही है ये सारे Nifty 50 के अंदर है, ठीक है। ये सारे जो स्टॉक्स हैं ये Nifty 50 इन स्टॉक से मिलकर बना है, और जो उसका वैल्यू दिया गया है उसका एक NAV प्राइस है, जो NAV प्राइस निकाल दिया जाता है वो कोई कम ज़्यादा कैसे भी निकाल सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सारे दोस्तों स्टॉक्स हैं ये Nifty 50 के स्टॉक्स हैं। अब मैं आपको कहता हूँ कि इनको आपको ख़रीदना है Nifty 50 खरीदने का मतलब क्या है कि भैया ये 50 स्टॉक आपके पोर्टफोलियो के अंदर होने चाहिए। पोर्टफोलियो के अंदर चलिए हम रख लेंगे ये 50 स्टॉक्स, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो किसी का प्राइस तो 100 रुपये 200 रुपये है, किसी का 5-5 हज़ार रुपये है, किसी का 8-8 हज़ार रुपये स्टॉक का प्राइस है, किसी का 50-50 हज़ार, किसी का 70-70 हज़ार भी गया हुआ है। तो भैया अब ये क्या है, ये हम इस तरीके से इसको कैसे खरीदेंगे, राइट। प्लस इसके अंदर वेटेज की भी प्रॉब्लम है। वेटेज मतलब भाई मैं कहता हूँ कि आपके पास 100 रुपया है, अब 100 रुपये में से आपको 10% में आपको टाटा ग्रुप की कंपनियां खरीदनी है और बाकी जितनी भी कंपनियां हैं आपको 5-5% खरीदनी है, तो ये कैलकुलेशन करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भैया 100 रुपये के अंदर 29,000 का स्टॉक तो आ नहीं सकता, 30,000 का स्टॉक तो आ नहीं सकता। तब इसका सोल्यूशन भैया क्या निकालेंगे, हम वेटेज कैसे सेट करेंगे। दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्ट Nifty 50 के स्टॉक्स खरीदने जाते हैं, वेटेज चलो हैंडल हो जाएगा भाई, ज़्यादा पैसे लगा देंगे वेटेज हैंडल हो जाएगा, स्टॉक भी खरीद लेंगे, हमने लगा दिया 10 लाख रुपए, वेटेज हैंडल कर लेंगे, लेकिन वो वेटेज डेली बेसिस पे चेंज भी होगा भैया, कभी कोई कंपनी ऊपर आएगी कभी कोई कंपनी नीचे आएगी, वो वेटेज डेली बेसिस पे या कुछ दिनों के अंदर चेंजिंग भी होती रहेगी, तो क्या अपने स्टॉक्स कम ज़्यादा करते रहेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल इसलिए नहीं है कि आप कर तो लोगे लेकिन इतना ब्रोकरेज लग जाएगा भाई, खरीदोगे बेचोगे कम ज़्यादा करना पड़ता रहेगा आपको। तो ये जो सारी चीज़ों का जो झंझट है, इन सब का एक निचोड़ है, वो है ETF। ETF की फुल फॉर्म क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमारे जो स्टॉक्स होते हैं वो भी एक्सचेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं, और ये जो फंड है ये भी एक्सचेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहे हैं। भाई इसके अंदर और उसके अंदर अगर मैं कहूँ कि Nifty 50 का ETF खरीद लीजिए, तो ETF खरीदने के लिए आपको जैस जिस तरीके से स्टॉक को ख़रीदना होता है सिर्फ वही प्रोसीजर आपको अपनाना होता है। अब ETF आपको कितने प्रकार के मिलेंगे, भाई कोई भी कंपनी लॉन्च कर देती है ETF। अगर आप निफ्टी का ETF खरीदने जाएंगे तो आपको रिलायंस का मिल जाएगा, आपको कोटेक का भी मिल जाएगा, कोटेक मतलब कोटेक बैंक नहीं, कोटेक वालों ने ETF लॉन्च कर रखा है Nifty 50 का, इसका मतलब ये है भाई रिलायंस ने भी लॉन्च करा हुआ है निफ्टी का, कोटेक ने भी लॉन्च करा हुआ है, SBI ने भी लॉन्च करा हुआ है, बहुत सारे ETFs मिल जाएंगे। और ये जो सारे ETFs है ये सारा काम क्या करते हैं, ये यही करते हैं, ये सारे स्टॉक्स को खरीद कर उसका एक NAV निकाल देते हैं,
वो एनीवी इसी तरीके से ही काम करता है जिस तरीके से निफ्टी काम करेगा, क्योंकि उसके भी वही स्टॉक्स है, निफ्टी 50 के भी वही स्टॉक्स है। बट जितना निफ्टी 50 बढ़ेगा उतना वो बढ़ेगा, क्योंकि भाई स्टॉक्स तो सेम ही है ना, तो वेटेज वगैरह का जो जितना भी उनका काम है वो सारा वो करते हैं, क्योंकि इनका अपना फंड मैनेजर होता है, वो फंड मैनेजर सब कुछ अपना हैंडल करके देता है। तो इस तरीके से ये ETF काम करता है, राइट। दूसरा दोस्तों इसके अंदर क्या है, ETF आपको कौन सा खरीदना है भाई, एक समस्या ये आती है कि ETF आपको कौन सा खरीदना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप इंटरनेट पे जाइए, इंटरनेट पे आप सर्च करिए ETF, ठीक है। जैसे आप ETF सर्च करेंगे तो आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको एक नीचे मनी कंट्रोल का दो तीन लाइन नीचे देखेंगे तो मनी कंट्रोल की एक वेबसाइट दिखेगी जिसमें लिखा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इंडिया, ठीक है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो इनको क्लिक करके देखिए, आपको सारे ETFs की डिटेल आ गई, ठीक है। अभी अलग अलग प्रकार के ETF है, आप देखेंगे कोटेक बैंकिंग ETF, यानी हमारा जो निफ्टी बैंक है ये उसका ETF है जो कोटेक ने लॉन्च करा है, ठीक है। ये भी एडलवाइज ETS है, ये बैंकिंग का है, रिलायंस ETF, कंजप्शंस, ये सारे ETFs है। अब ये जो भी ETF है ये इंडेक्स जो बने उससे रिडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी जितना इंडेक्स बढ़ेगा उतना ये बढ़ेंगे, जितना इंडेक्स घटेगा उतना ही ये घटेंगे। और अगर हम ध्यान दें तो आपको जो भी ETF खरीदना चाहिए वो एसेट साइज के हिसाब से खरीदना चाहिए। एसेट साइज का मतलब ये है कि भैया इतना पैसा इन्होंने अपना मैनेज करने के लिए लगा रखा है। भाई मैं किसी को देता हूँ 1 करोड़ रुपये, मैं कहता हूँ कि भैया आप अपना ETF लॉन्च करो, तो वो 1 करोड़ में मैनेज करेगा, उसको 1 करोड़ भी मैनेज करना है। लेकिन किसी के पास अगर 10 करोड़ है तो वो 10 करोड़ भी मैनेज कर लेगा। भाई उसको क्या करना है, उसको एंटर तो होना है, उसको स्टॉक खरीदने और बेचने ही तो है, उसको एक बटन ही तो दबाना है बैठ करके। तो ठीक इसी तरीके से अगर एसेट साइज अगर ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है कि जो फंड मैनेजर बैठा है, जो भाई बटन दबा के खरीद रहा बेच रहा है, उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उसको एक ऑफिस भी देना है, उसके ऑफिस में एक AC भी लगा होगा, हो सकता है वो हेल्पिंग के लिए कुछ मेंबर्स रखे हैंडल्स करने के लिए। तो जितना भी एक्सपेंस आएगा वो कितने बंदों में बटेगा, वो 10,000 करोड़ में बटेगा। लेकिन अगर मैं किसी को 1 करोड़ रुपए देता हूँ तो भाई बंदे तो उतने ही लगेंगे, मेंबर्स उतने ही लगेंगे, लेकिन वो 1 करोड़ लोगों में बटेगा। तो एक्सपेंस जो है ज़्यादा एसेट साइज में कम हो जाता है, सिर्फ ज़्यादा एसेट्स वाले खरीदने का फायदा ये है, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो ये SBI का ETF है सेंसेक्स, ठीक है ना, ये सेंसेक्स लिखा हुआ है, और इसमें SBI का आपको निफ्टी का ETF भी मिलेगा। देखिए SBI ETF निफ्टी बैंक, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं SBI का निफ्टी 50 का, ये है SBI निफ्टी 50 ETF। एसेट साइज 10,000 करोड़ है, सबसे ज़्यादा एसेट साइज SBI वालों का ही है, इससे ज़्यादा एसेट साइज किसी का नहीं है, ठीक है। अब ये जो ETF है यहाँ पर आपको पूरी डिटेल मिल गई, SBI ETF निफ्टी 50, यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, होल्डिंग्स तो वही है, वही आएगी निफ्टी 50 वाली। जब आप होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी मिल जाएंगी, सारे 50 वही स्टॉक्स है जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है, राइट, सारे वही स्टॉक्स मिलेंगे। वेटेज भी उनका उसी हिसाब से मैनेज होगा, HDFC में सबसे ज़्यादा है, रिलायंस में उससे कम है, ठीक है ना। वेटेज परसेंटेज लिखा है ना, परसेंटेज आप निफ्टी 50 की मैच कर लीजिए और इनकी मैच कर लीजिए, बिल्कुल सेम आएगी। दूसरा अगर आप और कुछ देखना चाहते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं डिविडेंड हिस्ट्री, लेफ्ट हैंड साइड पे बटन है डिविडेंड हिस्ट्री, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको डिविडेंड हिस्ट्री भाई 2017 और 2018 में 1.25 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, यहाँ 1.25 यानी 1% के आसपास इन्होंने डिविडेंड दिया है। तो आप कहेंगे भैया उससे पहले क्यों नहीं दिया, उससे पहले इसलिए नहीं दिया क्योंकि भैया 2016 में लॉन्च हुआ था ये, तो 2016 में ही ETF लॉन्च हुआ है तो 2017 2018 से ही मिलेगा। अगर आप इसका चार्ट देखने जाएंगे तो वो भी आपको पिछले 2-3 साल का ही मिलेगा। आप कहेंगे उससे पहले का क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि लॉन्च ही भैया अभी हुआ है तो उससे पहले का चार्ट क्यों दिखाएगा ये, ठीक है ना। तो सिंपली दोस्तों ये है। तो अगर आपको इनको खरीदना है, खरीदने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप सीधा यहाँ सर्च कर सकते हैं। अगर हम यहाँ देखेंगे तो कुछ सिंबल भी लिखा होगा, ये आप सर्च कर लीजिए निफ्टी SBI ETF निफ्टी 50, आप इसको सर्च करेंगे कहाँ पर, अपने डीमेट अकाउंट में। अगर आपको इनको ख़रीदना है तो हम सर्च करते हैं SI और /ETF, जब आप ये लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए कुछ आपको ETF दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें आप ध्यान देंगे
SBI ETF Nifty Bank, SBI ETF Nifty Next 50 और SBI ETF Nifty 50, तीनों आपको लगातार मिल गए। तीनों को आप क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए। ये कर लिया हमने ऐड, चलिए हमने ये ऐड कर लिया। आप ध्यान देंगे तो दोनों के जो चार्ट है वो ज़रा कंपेयर करते हैं कि भैया एक बार निफ्टी का ऐड करते हैं, यहाँ चार्ट देखते हैं। ध्यान दीजिएगा चार्ट के ऊपर कैसा चार्ट बन रहा है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट ऐसा बन रहा है, ठीक है। और चलते हैं हम बैक, चलते हैं और अब देखते हैं हम ETF का चार्ट कैसा बनता है। ये देखिए ETF का चार्ट भी सेम ऐसा ही बन रहा है। तो ठीक इसी तरीके से दोनों चीज़ें काम करती है। खरीदना कैसे है, खरीदने का सिंपल वे है, जो भी आपका डीमैट अकाउंट में जिस तरीके से आप स्टॉक्स को खरीदते हैं सेम वही काम करना है। कैसे, जैसे कि मैं करता हूँ बाय। बाय करने के लिए आप क्या करेंगे भाई, CNC बजाएंगे, क्वांटिटी लिख दीजिए, जितनी क्वांटिटी चाहिए, एक चाहिए एक मिल जाएगी, चार चाहिए चार मिल जाएगी, दस चाहिए दस मिल जाएगी, सीधा बाय पे क्लिक कर लीजिए, बाय हो जाएगा, दैट्स इट। सिर्फ इतना ही करना है। तो सारी चीज़ें आपको ऐड कर सकते हैं, आप निफ्टी बैंक भी ऐड कर लीजिए, जैसे SBI/SBI/ अगर आप बैंक सर्च करते हैं, देखिए निफ्टी ETF SBI ETF निफ्टी बैंक नीचे आपको दिख रहा है सबसे नीचे। दूसरा आपको साइज़ ज़रूर देखना है भैया, कौन से एसेट साइज़ का खरीदना है। तो एसेट साइज़ अगर आप देखेंगे तो SBI का निफ्टी में ज़्यादा बेटर है, कोटेक का निफ्टी बैंक में ज़्यादा बेटर है। तो कोटेक बैंकिंग ETF खरीद लीजिए निफ्टी बैंक के लिए, SBI का खरीद लीजिए निफ्टी 50, ठीक है, वो 50 का ETF हो जाएगा, निफ्टी 50 का हो जाएगा। और अगर आप जूनियर 20 का खरीदना चाहते हैं तो जूनियर 20 के अंदर आप SBI का भी खरीद सकते हैं, और अगर आप चाहें तो रिलायंस का भी खरीद सकते हैं। दोनों के एसेट साइज़ ज़्यादा है, तो एसेट साइज़ आप देख लीजिए, एसेट साइज़ जिसके जिसमें ज़्यादा हो उसको आप खरीदिए। अगर हम रिलायंस का जूनियर 20 देखते हैं तो 264 करोड़ का हमें यहाँ एसेट साइज़ दिख रहा है, और अगर हम SBI का जूनियर 20 देखते हैं, SBI जूनियर 20 देखते हैं तो दोस्तों इसका कम आएगा क्योंकि मैंने पहले चेक करा है। SBI जूनियर देखिए, SBI ETF निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 और जूनियर एक ही बात होती है, तो इसका 12 करोड़ ही आ रहा है। तो रिलायंस वाला ज़्यादा बेटर है, रिलायंस जूनियर 20। तो इस तरीके से आप सर्च करिए और जब आप उसको सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अब चलिए हम यहाँ करते हैं रिलायंस, देखिए रिलायंस जूनियर 20 हमने सर्च करा तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर ही हमें दिख रहा है रिलायंस ETF जूनियर 20। आप इसको ऐड करिए और जब आप इसको ऐड करते हैं तो सिंपली आप इसको बाय कर सकते हैं, बाय करिए सेल करिए जो मर्जी के, जैसे स्टॉक पे आप काम करते हैं सिंपली आपको इस तरीके से आपको बाय करते रहना है। तो उम्मीद है दोस्तों कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा, और ये इसी तरीके से काम करता है जैसे स्टॉक्स काम करते हैं, और ये इंडेक्स से ही रिडायरेक्ट होगा क्योंकि होल्डिंग्स वगैरह सब वही सेम है। डिविडेंड भी आपको हर साल मिलता रहेगा, ऐसा नहीं कि डिविडेंड नहीं देता ETF, ETF टाइमली आपको डिविडेंड देगा। कोई फ्रॉड वाला सीन नहीं है कि कोई पैसे लेके भाग जाएगा। एक तरीके से आपको जो सामान आपको डिलीवर्ड हो गया वो डिलीवर्ड हो गया, प्लस NSE BSE का जो मेल पे वो आता है पूरा ट्रेडिंग का, जब भी आप किसी चीज़ को खरीदते हैं बेचते हैं उसको ज़रूर चेक करिए कि कितनी चीज़ आपने कितने रुपए में कितनी क्वांटिटी खरीदी, दैट्स इट, और कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना ही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हद तक नॉलेज गेन आपकी हुई होगी। और जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।